नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं बलिया नगर परिषद क्षेत्र में और अभी हम चेयरमैन प्रत्याशी जो कि बलिया नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी राम बाबू जी के आवास पे आए हैं। तो अभी चलते हैं, उनके आवास पे हम पहुंच चुके हैं और अभी हम ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, उनका जो ऑफिस है यहाँ पे बलिया में, और उनसे आप लोगों को बात करवाएंगे। तो राम बाबू गुप्ता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी पत्रकार साहब जो चल के आए इतना दूर हमारे आवास पर, आपको भी बधाई है। और बलिया नगर क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? हम जो क्षेत्र को जनता का बधाई देना चाहते हैं, जो हमको समर्थन जितना भी दिया है सभी जनता का मैं शुक्रिया हूँ। मैं काम के भागीदार रह जैसे थे वैसे काम के भागीदार कर रहूँगा। जैसे मैं बिजली पावर स्टेशन ग्रिड क्रांतिकारी बन के लाए थे, उसी तरह से मैं करते रहूँगा कि मुझसे जो प्रयास हो इस क्षेत्र का विकास के लिए, हम दल के सभी नेता से बात करके कोशिश करेंगे कि बलिया का विकास हो। हमसे बहुत जितना चल बन पड़ेगा, हम जनता के बीच दुख सुख में हर समय साथ रहेंगे। आप बिजली आंदोलन में भी रहे जैसे आप लिखवाए थे और आप जोर शोर से यहाँ पे मेहनत किए और बिजली आंदोलन कार्यकर्ता भी रहे हैं जी, जी जी। और आपको जनता का आशीर्वाद थोड़ा कम मिला, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो जनता जो भी दिया जितना आशीर्वाद वो भी बहुत काफी है जी, ये माने है। और छवि आप बलिया नगर क्षेत्र की जनता से नाराज नहीं है? हम कोई नाराज नहीं है जी। क्रांति होती है जी, तो क्रांति का सत्य का थोड़ा विजय देर से आती है, मगर विजय आती है जी। और बलिया नगर क्षेत्र से हमारे चेयरमैन प्रत्याशी जो थे, जितने भी 10 दावेदार थे, उसमें से सबसे नंबर 1 पे जो आए हैं जमालुद्दीन जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी तरफ से जमाल जी को जीत का बधाई देना चाह रहा हूँ जी। भाई आप क्या रहेंगे, जमाल जी जहाँ तक अच्छी काम करे और बहुत अच्छी बात है। बलिया नगर क्षेत्र में जमालुद्दीन जी जीते हैं, हम भी चाहते हैं कि वो बलिया नगर क्षेत्र को और आगे ले जाएं, और जिस तरह जनता उनसे उम्मीद की है उस उम्मीद पे वो खड़े उतरे और वो आगे और भी काम करे, ये आप भी उम्मीद करते हैं? हाँ, उम्मीद करते हैं कि जमाल जी कर सके तो अच्छी बात है जी। जब जनता उसको समर्थन चुना है तो बहुत अच्छी बात है जी, इससे हमको दुखी नहीं है जी। ये तो जनता के सर्वोपरि न्यायालय है जी, 10 कैंडिडेट में जिसको चुना जनता उसके लिए सर्वोपरि हुआ। और बलिया नगर परिषद से बड़ी बलिया के रहने वाले जो हैं स्वीटी जी, और जिनके पति हैं अरविंद कुमार, मैं तो स्वीटी जी को भी बधाई देना चाह रहा हूँ जीत की, और अपने लक्ष्य से जो आए हैं और जनता के बीच जितना सुंदर से सुंदर काम कर पाए तो बड़ी खुशी की बात है। हम उसकी जीत क्षेत्र का विकास हो, कोई क्षेत्र का विकास नहीं हो, और हम उसको खुशी से बर्तमान बधाई भी देता हूँ और बलिया जनता अनुमंडल की तरफ से भी उसको बधाई देता हूँ। अच्छा, अभी आप अपने ऑफिस में बैठे हैं तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो ये सब जो है अभी आपके किस लिए लाया है? ये तो आए, ये तो मिलने के लिए है कि आप हारिए नहीं हिम्मत। अच्छा, और संघर्ष करते रहिए, आपको आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए जी, हिम्मत बढ़ाने की, आप हारिए नहीं राम जी, आपकी जीत हुआ जन्म में आप रहे, जन्म में आप रहते रहिए। जैसे बिजली आंदोलन लाए वैसे वैसे कोई भी बड़ा बड़ा चीज लाइए, जो बलिया का आज तक कोई MLA और MP नहीं ग्रिड लाएगा, और बड़ा बड़ा MP MLA सोचता है कि हमारे क्षेत्र में ग्रिड हो और उस क्षेत्र में ग्रिड नहीं हो पाता, तो आगे बड़ी खुशी की बात हुआ। और मेरा जन समर्थन सहयोग से हुआ, मैं अपना सहयोग से नहीं किए, जो हमारा जनता सहयोग दिया हम उसके बल से जीत जाए जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई जी। आप थोड़ा कम आपको समर्थन मिला, जनता का प्यार थोड़ा कम मिला, हम आशा करते हैं कि आगे आप जनता के लिए और भी मेहनत करें। जनता का पूरा बधाई देते हैं, जिस दिन जनता समझ जाएगा कि राम बाबू क्रांतिकारी आदमी है, समाज के लड़ सकते हैं, समाज सेवक जो बन के चल रहा है। आप तो बहुत उम्मीदवार समर्थ से भी नहीं है, एक काम भी नहीं करता, सो जाता, लोग वैसे व्यक्ति को चाहता, विकास टूट जाता, थोड़ा समाज सेवी का हिम्मत टूट जाता है। इसलिए हम जनता को फूल बधाई दे रहे हैं कि जो समाज का काम करे उसको थोड़ा मनोबल बढ़ाइए, जो आगे हम और विकास आपके बलिया के लिए कर सकते और क्रांतिकारी के लिए आवाज उठा। आपके जोश जुनून के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद पत्रकार साहब। और चाचा, आप यहाँ पे आवास पे आए हैं, चाचा को जो चाचा हार चुनाव में उनको कम आशीर्वाद मिला जनता का, तो इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए इनके आवास पे, आप क्या कहना चाहेंगे बलिया नगर परिषद की जनता से? ये हमारे राम बाबू जो है बहुत संघर्षी आदमी है। बलिया नगर परिषद की जनता इन्हें थोड़ा कम प्यार क्यों दिया है? थोड़ा कम प्यार तो थोड़ा ज्यादा उसके मतलब नहीं है, जितने प्यार मिला, जितने जनता को वोट मिला उतने ही काफी है।
ये फिर ये झुंझाड़ बन के रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, फिर इनको जो है जनता इसको फिर आगे चुनाव करेंगे, फिर इनको जो है इसको मने फिर चाहेंगे जनता। अच्छा, इसलिए जनता के जो अपना काम करें पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा संगत बने के रहेंगे और इसको आगे हम लोग बढ़ाते रहेंगे। मनोबल बढ़ाने की हम लोग मनोबल बढ़ाने का है कि आज हार हारे नहीं है, आप जीतते रहिएगा, आप आगे बढ़ते रहिएगा, जो अपना समाज का काम है आप काम करते रहिएगा, जितना काम कीजिएगा उतना आप जनता के नजदीक होते जाइएगा, इसलिए आगे बार जो है आपको जनता चाहत में आएगा, फिर आप आगे काम भी आपका तय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी एक और चाचा है, तो चाचा आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुजीब खान है। मोहम्मद मुजीब खान। मुजीब खान, तो आप इनके आवास पे आए हैं इनका मनोबल बढ़ाने के लिए, जनता का थोड़ा कम प्यार मिला उसके बाद भी इनका मनोबल आप बढ़ाने के लिए आए हैं, आप हमारे जनता से आपको देख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे बलिया नगर क्षेत्र की जनता से? बलिया नगर जनता जो चाहिए जिसको पसंद किया हमको दिया, ये अपना मेहनत करते जाएंगे, जनता को बड़ा करेंगे। अच्छा, मेहनत करेंगे तो हो सकता है 5 साल के बाद इनका भी नंबर आ जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप लोग बलिया नगर क्षेत्र में अभी सबसे मिले हैं और इनके आवास पे मैंने आपको जितने भी लोग थे सबसे मिलाया और चेयरमैन प्रत्याशी राम बाबू जी से आपको भी मिलवाया, तो यहाँ पे जितने भी जनता जीते हैं उनको भी बधाई दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जो जीते हैं उनके लिए गम है, जो भी जमालुद्दीन जी जीते हैं उनको भी चाचा बधाई दिए हैं, और क्षेत्र की जनता से थोड़ा कम प्यार मिला, तो हम आशा करते हैं आगे मेहनत चाचा बोले करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो राम बाबू जी और आगे मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलेंगे किसी और चेयरमैन जी के आवास पे और उनसे उनका पूछेंगे विचार कि वो क्या कहते हैं।